मूवी के बारे में ऐसे स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ ये एक एंटरटेनर है, एक रोमांटिक कॉमेडी है जो जिसमें थोड़ा सा नयापन है। नयापन कैसे है? रोमांटिक कॉमेडीज़ अगर ज़्यादातर हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ कपल जो होता है मेन लीडिंग कपल हीरो हीरोइन उस पर फोकस होता है, लेकिन इसमें आसपास भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिन पे भी फोकस दिया गया है, और वो कैरेक्टर्स बहुत वाइल्ड हैं, बहुत क्रेज़ी हैं अपने आप में, और उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई किए गए हैं। तो एक ख़ास बात और है इसके अंदर, वो ये कि इसमें बहुत अलग अलग तरह के थिएटर ग्रुप्स ऑल अक्रॉस इंडिया, वहाँ से एक्टर्स हमने लिए हैं, जैसे हम MP थिएटर बताएं, जयपुर थिएटर बताएं, मुंबई थिएटर, दिल्ली थिएटर, लखनऊ थिएटर, तो यहाँ से लोग आए हैं, और जिसकी वजह से ये फ़िल्म अपने आप में एक बहुत डिफरेंट फिल्म लग रही है, क्योंकि चेहरे अलग अलग हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स, अलग 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 स्कूल ऑफ थिएटर से लोग आए हैं, तो उनकी टेक्निक्स भी अलग हैं, एक्टिंग टेक्निक्स भी अलग हैं, तो उन सबका एक जमावड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है जो अपने आप में एक फ्रेशनेस लेके आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यही इस फिल्म का एक USP है कि इसमें एक ऑनसम्बल कास्ट है बहुत अच्छी, कुणाल एमशा ने कास्टिंग करी है उसकी, तो बहुत अच्छी उसका है। अच्छा मेल खाती था। अच्छा मेल खाता है, जन ने कहा भी है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत उनसे इंस्पायर है या नहीं? उससे कैसे इंस्पायर हो सकता है? एक जो एक फिल्म आ चुकी है वो आ चुकी है, अब ये एक अलग फिल्म है, इसकी अलग कहानी है, इसका अलग कंसेप्ट है। हाँ, बारात ज़रूर बैकड्रॉप में है, मैरिजेस ज़रूर बैकड्रॉप में है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कहानी कहीं से इंस्पायर्ड है। कहानी जो मुझे कॉन्सेप्ट दिया गया था उस पर फिर मैंने एक अपना शूटिंग ड्राफ्ट बनाया फाइनल, और उससे बहुत अलग है, उसमें बहुत सारे किरदार हैं, और ये फिल्म बहुत कुछ कहना चाहती है अपने आप में। एंटरटेनर होने के साथ साथ इस फिल्म में एक मैसेज भी है जो मैंने कुछ जानबूझ के नहीं डाला, वो अपने आप नेचुरली आया। तो लोग अगर फिल्म को पसंद करते हैं और साथ साथ ये मैसेज भी जो फिल्म में है वो उसको साथ साथ घर ले जाते हैं, तो मेरी हम सब लोगों की जीत है उसके अंदर। तो फिल्म के ट्रेलर को बहुत सराहा जा रहा है, बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, इसका टाइटल ट्रैक बहुत पसंद आ रहा है लोगों को जो रिलीज़ हुआ है, कि आ गई बारात कंपनी। ये 3 गाने और हैं फिल्म के, वो भी बहुत अच्छे गाने हैं, तो जैसे जैसे वो आएंगे लोगों को पता चलेगा। मेरे ख़्याल से हमें इसमें सिर्फ ये देखना है कि देखिए, रोमांटिक कॉमेडीज़ का अपना एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अनुसार वो चलती हैं, और उसमें अलग अलग बैकड्रॉप्स होते हैं। तो मैरिजेज़ और शादियाँ एक ऐसा बैकड्रॉप है हिंदुस्तान के अंदर जो हमेशा से पॉपुलर रहा है, उसके बैकड्रॉप पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो बहुत हिट हुई हैं। तो एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड बैकग्राउंड है, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर कहानी क्या कह रही है वो असल बात है, कि बैकग्राउंड तो आपने एक ट्राइड एंड टेस्टेड ले लिया, बट उसके ऊपर कहानी किस तरह से अलग कही जा रही है। अब देखिए, बारात है तो बारात में आपको शामियाने दिखेंगे, बारात में आपको लोग दिखेंगे, मेहमान दिखेंगे, दूल्हा दुल्हन दिखेंगे, वो इसमें दिख रहे हैं, तो इस वजह से ये लग रहा होगा लोगों को ऐसा ऐसा है, बट मेरे ख्याल से जब फिल्म देखने आएंगे लोगों को तो उनको पता चलेगा कि इसमें क्या है। सर, पास्ट में आपने लाल रंग की थी और यंगेस्ट टाइम भी की थी, तो दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट था, और ये रोम कॉम है, तो आपने कब सोचा कि रोम कॉम में भी थोड़ा करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा से ये सोचता था कि मैं किसी भी जॉनर में बंध के नहीं रहूँगा, तो उसमें से एक पॉलिटिकल लव स्टोरी थी यंगिस्तान, फिर लाल रंग एक अपने आप में सोशल ड्रामा है, और अब ये फिल्म, मैंने हमेशा से ये सोचता था कि अगर मैं कॉमेडी रोमांस में करूँगा तो रोमांटिक कॉमेडी, तो वो किस तरह की होगी, वो हमेशा इमेजिन करता था, तो वही चीज़ मेरे दिमाग में रह गई थी, उसमें मैंने कभी सोचा होगा कुछ, तो वो मैंने इस फिल्म के अंदर डालने की कोशिश की। लेकिन मैं चैलेंजेस पसंद करता हूँ, और इसी वजह से किसी जॉनर में बंध के रहना नहीं चाहता हूँ, तो ये भी एक तरह का चैलेंज था। दुनिया में किसी एक इंसान को हंसाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए मेरे हिसाब से कॉमेडी सबसे डिफ़िकल्ट काम है फिल्म मेकिंग के अंदर, के कॉमेडी बनाना, और एक सफल कॉमेडी, ये नहीं कि स्लैपस्टिक फिजिकल कॉमेडी हो रही है ये, और शक्लें बनाई जा रही हैं, ये हो रहा है, एक नॉर्मल ज़िंदगी को जीते हुए रियलिस्टिकली बात करते हुए आप कैसे कॉमेडी क्रिएट कर सकते हैं, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बात है। तो ये मैंने कोशिश करी है इसको पूरा करने की, अब देखिए ऑडियंस क्या कहती है इस बारे में। देखा जा रहा है कि प्यार करना मना है, तो ये कहीं योगीनाथ की जो कैंपेन नहीं, इससे बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ से इंस्पायर्ड नहीं है इसमें, बस सिर्फ वो आपको फिल्म देख कर पता चलेगा कि प्यार करना क्यों मना है, बट ये किसी भी ऐसे
कोई भी पॉलिटिकल चीज़ नहीं है इसके अंदर, बहुत ही स्वीट सिंपल सी रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें बहुत स्वीट सिंपल से किरदार हैं और वो उनका इंटर कैरेक्टर रिलेशनशिप जो है वो इस फिल्म में दर्शाया जा रहा है, वही कहानी को आगे लेके जाता है। सब भारत की बात की जाए तो बहुत से भारत में गए रहेंगे शादी में, तो यूनिक यूनिक डांस देखने मिलते हैं। बिल्कुल, वो मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं अलग अलग बारातों के, जिसमें अजीब अजीब से मेहमान भी हुआ करते थे और कभी कभी कुछ मेहमान होते थे जो गेट क्रैश कर जाते थे, पता चला कोट वोट पहन के आए हैं। मैंने तो ऐसे तक देखा है लोगों को कि वो लोग एक अपना सूट वूट अलग से रख के रखते हैं और जहाँ भी बारात दिखती है तो घर जाते हैं, पहन के आते हैं, घुस जाते हैं। तो आपने ऐसा कभी देखा है? बहुत देखा है सर, लोगों को पिटते हुए भी देखा है जो पकड़े गए हैं। तो ये मूवी में भी देखने मिली क्या? मैं ऐसा अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ओके सर, लास्ट दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 28 जुलाई 2017 को आप लोग सिनेमा घरों में जाइए और ये फिल्म देखिए, खूब खुश होइए, हंसिए, अपनी पूरी फैमिली को लेके जाइए। बहुत साफ़ सुथरी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है। इतनी मेरी गारंटी है कि अगर आप सिनेमा हॉल में कदम रखेंगे तो आप हंसते हंसते ही बाहर लौटेंगे। थैंक यू सर।